दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठाकर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना, ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तब सबको उसकी इस आदत का पता चला। दीपा, तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है, बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं, अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। एक दिन दीपा के सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे, वहीं दीपा खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी, तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबू जी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है, ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा, माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद भी कमरे से बाहर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा, शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चले गए। दीपा की सास अगले दिन पड़ोस वाली के साथ बातें कर रही थी। क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दिया है। कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरे ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था, जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो मिसेस शर्मा ही बता रही थी, बोली उन्हें तो बहुत प्यास भी लगी थी पर वहाँ तुम्हारे घर उन्होंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे घर में उनका रुकने का मन ही नहीं था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन, मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी, वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था इसलिए शादी के बाद उसके मायके वाले उसे मिलने और कुछ दिन उसके पास रहने आए थे, इस वजह से दीपा की सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीदी, मैं तो आपके हाथों के गरम गरम छोले भटूरे खाने के लिए तरस गई, मम्मी तो बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ। आशा दीदी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे प्याज टमाटर यहीं दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ मैं लाती हूँ। दीदी मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर यहीं बाहर ले आओ, तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी, एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैला कर बैठी हुई थी, पूरे ड्राइंग रूम का नजारा देखने वाला था। भाभी ये सब क्या है, पूरे ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया है। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और सारी बात कह देती है। माँ घर का क्या हाल हो गया, आपको भी पता है ये घर कम रसोई ज्यादा लगता है, चाह देखो वहाँ सब्जियां बर्तन आटा दाल चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भाई अभी भाभी को कुछ नहीं कहते, जब से वो इस घर में आई घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती, ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ, ये तेरे पापा बैठे हुए ना, ये कुछ नहीं बोलते बस मुंह सिल कर बैठे रहते हैं। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो आशा, मैं क्या बहू के घर वालों को ये जाकर कह दूं कि वो यहाँ से चले जाएं? हैं? तुम भी कैसी बातें करती हो, थोड़े दिन की बात है संभाल लो, जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी,
उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और अंदर बर्तन लेने के लिए चली गई। तभी दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों के कारण हुआ है। अगर इनमें जरा सी भी समझ होती तो ये इस तरह से लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, हम दीपा से दूर रहेंगे, पर आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है, और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से ध्यान रखना, जो चीज जहाँ के लिए बनी होती है हमें उसका इस्तेमाल वही करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं, और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था, वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया।